हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी SSR के बारे में। तो जो आपके SRMR का जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है वो कब तक रिसीव जाएगा, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा की वीडियो में। मेक श्योर वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। तो उस तो बात करें, जो आपका इंडियन नेवी SSRMR का जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर जाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। बाकी तो एग्ज़ाम तकरीबन कह रहे हैं कि जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट की जाएगा या फिर अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ये दो प्रायोरिटी हैं, या तो अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में और या फिर जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में। अब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो जनरली 7 से 10 दिन के अंदर आ जाते हैं और जो क्रूशल टाइम जो जनरली कहते हैं वो 3 से 5 दिन है। जनरली 3 से 5 दिन के आते हैं और कभी कभी 7 से 10 दिन पहले भी रिलीज़ कर देते हैं एडमिट कार्ड। तो तकरीबन अगर आपका थर्ड या फोर्थ वीक में रहता जुलाई में, तो सेकेंड या थर्ड वीक तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बाकी पूरा आर्टिकल चेक कर लीजिएगा, drntruhs.in पर अवेलेबल है और pscwb.co.in। ये आर्टिकल इस पर जगह चेक कर लीजिएगा और इसमें डाउन के स्टेप भी इंक्लूड है। बाकी डाउन के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक आपको रिकमेंड टैब में या फिर जो लेटर न्यूज सेक्शन है वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करना होगा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद आपके एडमिट कार्ड शो जाएंगे स्क्रीन पर। रही बात लिंक की, तो मैं फिर बता दूं, लिंक आपको रिकमेंडेड टैब या फिर जो होम पेज पर लेटर न्यूज सेक्शन या नोटिफिकेशन सेक्शन के नाम से टैब बनी होती है वहाँ पर आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तब मिल जाएगा और सिंपली वहीं पर क्लिक करके लॉगिन करके एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे। थैंक यू।